नमस्ते दोस्तों, वंसाबाई देसी किचन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं कचुंबर रायता। कचुंबर रायता बनाने के लिए हमें चाहिए कुकुम्बर, एक टमाटर, एक प्याज, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया। ये स्पेशली अपने फ्रेंड के लिए बना रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि आप ज़रूर कचुंबर बना के डालिए। सबसे पहले हम कुकुम्बर को ये सब चीज़ें भी हम साथ में पकड़ लेंगे और इसे बारीक कट कर देंगे। प्याज और टमाटर को भी हम इसी तरीके से काट लेंगे। ये हरा धनिया और पुदीना अच्छे से धो लिया है और इसे भी हम बारीक काट लेंगे। अब डालेंगे हम दही, इसे हम हल्का सा ब्राइंड कर लेंगे। ज़्यादा नहीं चलाना है, अब ज़्यादा चला लोगे तो सीधा घी निकल आएगा। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच पिसी हुई चीनी, जीरा पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा वाइट सॉल्ट, थोड़ा सा चटपटा चाट मसाला। अब इसमें हम मिला देंगे वो वेजिटेबल जो हमने काटे थे। सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, दिखने में जितनी टेस्टी लग रही है खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। और स्पेशली जब मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए रिक्वेस्ट भेजी है तो उनके लिए तो मुझे चीज़ बनानी ही बनानी है। ये रेसिपी सिर्फ मेरे फ्रेंड के नाम।